हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल पीआर चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर यूट्यूब कैसे यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब के वीडियोस कैसे प्ले कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, नहीं तो ये प्रोसेस समझ नहीं आएगा। और इस वीडियो के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आपकी स्मार्ट वॉच जिसका मीडियाटेक का प्रोसेसर होना चाहिए, कोई भी स्मार्ट वॉच हो सकती है। और दूसरा, एक चार्जर, आपकी स्मार्ट वॉच का जो चार्जर है वो चाहिए। और तीसरी चीज चाहिए, पीसी या फिर लैपटॉप। मतलब बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है पीसी या फिर लैपटॉप, पर सॉरी टू से, लेकिन बिना पीसी या फिर लैपटॉप के आप ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको पीसी या फिर लैपटॉप की तो जरूरत पड़ेगी। तो आपको चाहिए पीसी या फिर लैपटॉप। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो मुझे भी मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे लैपटॉप को ऑन कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है ये ऑन हो चुका है। तो आपको यूट्यूब से स्मार्ट वॉच के अंदर वीडियोस ऐड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप करना होगा वो ये है कि आपको यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी होगी। तो डाउनलोड आपको इस तरीके से करनी होगी कि वो वीडियो आपकी गैलरी में आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है, बाकी तो मैं बता देता हूँ आपको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे होगा ये कि मेरे वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगी। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से मेरा चैनल भी बैन हो सकता है, इसलिए ये प्रोसेस मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जो कि ये पूरा प्रोसेस आपको करके बता देंगे कि आप यूट्यूब वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर कैसे डाउनलोड करें। तो एक बार आप उस वीडियो को देखना और यूट्यूब वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो को डाउनलोड करते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखना कि यहां पे मैंने एक इमेज शो की है, या आप देख सकते हैं। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहां पे से पूछेगा कि आपको कौन सी क्वालिटी में डाउनलोड करना है। तो आपको 3GB वाली क्वालिटी में डाउनलोड करना होगा। अगर आप उससे ऊपर वाली क्वालिटी में डाउनलोड करेंगे तो आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर वीडियो नहीं चलेगा। तो आपको यह बात का खास ध्यान रखना होगा कि 3GB वाली जो क्वालिटी होती है उसके अंदर आपको यह वीडियो डाउनलोड करना होगा। तो आप एक बार यह प्रोसेस कर लेना और उसके बाद आपको करना यह होगा कि अपनी जो स्मार्ट वॉच है इसे लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। तो इस स्मार्ट वॉच को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो वीडियो देख के कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देना, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस है। 2 से 3 मिनट में आप ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच को लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। तो स्मार्ट वॉच को लैपटॉप से कनेक्ट करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना कि अपनी स्मार्ट वॉच को स्विच ऑफ कर देना। अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच को ऑन रखेंगे और उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो आपकी वॉच जो है ये लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट नहीं होगी। तो आपको अपनी वॉच को स्विच ऑफ करना है। तो स्विच ऑफ करने के बाद इसके चार्जर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसके चार्जर से कनेक्ट हो चुकी है और इसे कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप से। तो इसके चार्जर के पिन को लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। तो ये जो है ये कनेक्ट हो चुका है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए USB ड्राइव ई लिख के आ चुका है और ये जो स्मार्ट वॉच है ये अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो चुकी है। तो एक बार आपको बता देता हूँ दिस पीसी पर जाके। तो मेरे पास है अभी MC88 Pro स्मार्ट वॉच और इसके अंदर 18 MB तक की स्पेस मिल जाती है, तो इसके अंदर मैं वीडियोस वगैरह रख सकता हूँ। तो चलिए इसके फोल्डर को ओपन करके बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला फोल्डर है ऑडियो, तो ऑडियो किसी काम का नहीं है तो इसे डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद है माई म्यूजिक, तो इसके अंदर आप चाहे तो अपने हिसाब से म्यूजिक वगैरह रख सकते हैं और सुन सकते हैं।
और वीडियोस के अंदर मैंने अभी के लिए दो जो वीडियो है ये सेव करके रखे हुए हैं। तो अभी मैंने दो वीडियो रखी हुई है स्मार्ट वॉच के अंदर, और दोनों का फाइल टाइप आप चेक कर सकते हो, दोनों के दोनों मैंने 3 GB वाली क्वालिटी जो है इसके अंदर रखी हुई है। तो आपको भी 3 GB वाली क्वालिटी ही डाउनलोड करनी है। तो ये दोनों जो वीडियोस है ये मैंने अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर रखी हुई है। तो अभी एक और वीडियो लाइव आपके सामने मैं ऐड करके बता देता हूँ इस स्मार्ट वॉच के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि YouTube की मेरी खुद की एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये वीडियो कैसे डाउनलोड होती है इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप YouTube वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने डाउनलोड कर दिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वीडियो को अपनी वॉच के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपनी वॉच के अंदर ऐड करने के लिए सबसे पहले कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी, और इसके बाद आपको जाना है माय कंप्यूटर पे, दिस पीसी है तो इस पे, उसके बाद आपको जाना है दिस पीसी पे, और दिस पीसी पे जाने के बाद अपनी वॉच के अंदर यहाँ पे एक वीडियोस का लिखा होगा ऑप्शन, तो वीडियोस में जाना है और इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये जो वीडियो है इस स्मार्ट वॉच के अंदर आ जाएगा। तो आप समझ ही चुके होंगे इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको YouTube से वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है इसकी लिंक जो है ये मैं आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। और वीडियो डाउनलोड करने के बाद आप इस तरीके से अपनी वॉच के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ऐड हो चुका है मेरी वॉच के अंदर। तो एक बार इसे डिसकनेक्ट करके आपको लाइव प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि मेरी वॉच के अंदर ये वीडियो आ चुका है। तो इसे ऑन कर देते हैं, तो आपको करना ही होगा कि अपने वॉच के वीडियो प्लेयर में जाइए, और वीडियो प्लेयर में जाने के बाद आप देख लीजिए ये जो वीडियो है ये आ चुका है। और टोटल आपने देखा था लैपटॉप में कि 3 वीडियो थे, तो 3 वीडियो इसके अंदर भी शो कर रहा है। तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, ये मेरा ही एक वीडियो है यूट्यूब का, तो ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए इसलिए मैंने खुद का ही वीडियो डाउनलोड कर दिया। तो ये मेरा ही एक वीडियो था यूट्यूब का, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर वीडियोस ऐड कर सकते हैं, लाइव प्रूफ के साथ मैंने बता दिया। और इस तरीके से आप MC88 Pro या फिर आपके पास कोई भी स्मार्ट वॉच हो तो उसके अंदर आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, और आप यूट्यूब के जो भी वीडियोस हैं वो सारे अपनी वॉच के अंदर चला सकते हैं। तो ये प्रोसेस उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।